एवरीवन नमस्ते, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, पार्ट थर्ड है ये। इससे पहले कि अगर दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको पहले देखना, ओके। अब यहाँ हम देखने वाले हैं द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, कि मतलब ये हम इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन ये लोग चाहते हैं कि हम वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट कर लें। क्या एजेंडा था इनका हमारी नेशनल एजुकेशन को लेते हुए? ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगेन टू टॉक ऑफ द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। देखो, सिर्फ ब्रिटिश के लोग नहीं थे, ब्रिटिश पीपल नहीं थे जो हमारी एजुकेशन के बारे में बातें कर रहे थे। इंडिया के कोने कोने से बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बात करी है कि हमें एजुकेशन का जो स्तर है वो बढ़ाना चाहिए। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। वेस्टर्न सोसाइटी में, इंग्लैंड में, यूरोप में, इन जगहों पे क्या हो रहा था, काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी। इस सब से इम्प्रेस होते हुए भारतीय कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि अगर ये सब हमारे यहाँ आएगा तो हम भी डेवलप कर पाएंगे। दे अर्ज्ड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। उन्होंने क्या कहा इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से कि आप प्लीज और स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वगैरह खोलो, थोड़ा पैसा खर्च करो एजुकेशन पे। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। देर वर द अदर इंडियंस However, who reacted against Western education? Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. Okay? तो chapter 9 में हम देखेंगे ऐसे कुछ लोगों का effort जिन्होंने education को बढ़ावा दिया था, Western education को, और वहीं कुछ Indians ऐसे थे जो Western education के against में थे। उनमें से दो बहुत बहुत बड़ी personalities हैं, वो हैं एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, Let us look at what they had to say. English education has enslaved us. इन लोगों का मतलब क्या था कि जो English education है उसने हमें गुलाम बना के रख दिया है। महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. तो महात्मा गांधी का क्या कहना था कि जो ये कॉलोनियल लोग हमें एजुकेशन दे रहे हैं, इसकी वजह से हम भारतीयों के दिमाग में क्या आ गया, इन्फीरियरिटी आ गई है। लोग जो भारतीय लोग हैं अपने आप को छोटा और बेवकूफ समझने लगे हैं। ये बेवकूफ मेरे शब्द हैं, ठीक है, तो असल में वो यही बोलना चाहते हैं, अपने आप को तुच्छ छोड़ते हैं, सोचने लगे हैं ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत महान समझते हैं। उन्होंने अपने जो पहले उन्हें गर्व होता था अपने कल्चर पे, वो सब खत्म होता जा रहा है इस वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से। इट वॉज सिंफुल, इट इंस्लेव्ड इंडियन, इट कास्ट एन एवल स्पेल ऑन देम, चार्म्ड बाय द वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। और इस सब से क्या हो रहा है, एक जादू सा फैल रहा है ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से। जो भारतीय हैं वो प्रशंसा करने लग गए हैं ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिश रूल को भी पसंद करने लगे हैं, तारीफ करने लग गए हैं। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें लोग अपने स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ न करें, अपने आत्म सम्मान की सुरक्षा करें। इसलिए जब उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स चलाए, तब उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आप अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसको छोड़ के बाहर आइए और दिखा दो इन अंग्रेजों को कि जो इंडियंस हैं अब नहीं चाहते कि वो गुलाम बन के रहें। महात्मा गांधी स्ट्रॉन्गली फेल दैट इंडियन लैंग्वेजेस ओट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्स इंडियंस, डिस्टेंस
them from their own social surroundings and made them strangers in their own lands. महात्मा गांधी का मानना था कि जो education है वो शिक्षा किसमें होनी चाहिए, उनकी अपनी भाषा में होनी चाहिए, local languages में होनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ाई की वजह से क्या होता है, वो अपने ही आसपास, अपने समाज, अपने रीति रिवाज, अपनी जमीन से दूर होते जाते हैं। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, डिसमिसिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। महात्मा गांधी का कहना था कि जो वेस्टर्न शिक्षा है, जो बाहर की पश्चिमी शिक्षा है, वो उसका फोकस होता है लिखो और पढ़ो, लिखो और पढ़ो, जबकि हमारे यहाँ पुराने टाइम से गुरुकुल मदरसाज में ओरल लैंग्वेज दी जाती थी, रिसाइट किया जाता था, मंत्र उच्चारण करवाए जाते थे, बोल बोल के पढ़ाया जाता था। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। He argued that education ought to develop person's mind and soul. महात्मा गांधी का कहना था कि education ऐसी होनी चाहिए जो इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा को develop करे. Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education. सिर्फ लिखना और पढ़ना आना education नहीं होती है. People had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. उनका मानना था कि लोगों को हाथ से काम करना, क्राफ्ट बनाना, ये सब आना चाहिए ताकि उनका माइंड डेवलप हो और उनके अंदर एक कैपेसिटी आए चीज़ों को समझने की। फिगर 10 में हमें दिखाया जा रहा है महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ कस्तूरबा गांधी सिटिंग विथ रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एट शांति निकेतन 1940। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये महात्मा जी हैं, ये उनकी कस्तूरबा गांधी जी हैं और ये इतनी सारी औरतें हैं, ठीक है, शांति निकेतन की 1940 का ये पीरियड है। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, ठीक है, याद रखिए महात्मा गांधी ने बोला है कि अगर आपको लिखना पढ़ना आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षित हो, और मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। जिन्हें बोलते हैं ना पढ़े लिखे गंवार, पढ़े लिखने जाने के बावजूद भी बहुत लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको देख के लगता ही नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं। तो कुछ वही मानना था गांधी जी का, अगर आपका माइंड और आपकी अंतरात्मा डेवलप नहीं हुई है तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं। By education I mean an all-around drawing out of the best in child and men, body, mind and spirit. Gandhi ji ke anusar education ek pura jo insaan hota hai, sharir, dimag aur uski atma tak ko badal ke rakhta hai. Literacy is not the end of education nor even beginning. Literacy na to shuruaat hai shiksha ki aur na hi ant hai. It is only one of the means whereby men and women can be educated. Literacy in itself is not education. I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Gandhi ji ka kehna tha ki literacy ko na to main padhane ki ya एजुकेशन की स्टार्टिंग मानता हूँ ना ही एंड मानता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि मैं किसी बच्चे की एजुकेशन की स्टार्टिंग क्राफ्ट बनाने से करवाऊँ ताकि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके, उसकी एक ट्रेनिंग हो। आई होल्ड दैट द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड द सोल इज पॉसिबल अंडर सच सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दिमाग और आत्मा का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, हाईएस्ट डेवलपमेंट हो सकता है इस प्रकार के सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर। Only every handicraft has to be taught, not merely mechanically as is done today, but scientifically. That is, a child should know why and the wherefore of every process. उनका कहना था कि हर handicraft कैसे बनाया जाता है ये बताना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि मशीन कैसे बनाती हैं आजकल, but उनको scientifically भी बताना चाहिए ताकि बच्चे को पता हो कि कैसे और किस तरीके से हर प्रोसेस होती है, ठीक है। एज नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स स्प्रेड, अदर थिंकर्स आल्सो बिगिन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन व्हिच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेट अप बाय द ब्रिटिश। और जैसे जैसे लोगों में देश प्रेम की भावना जगी,
नेशनल मूवमेंट्स अपने चरम पर आए तो महात्मा गांधी के अलावा और भी लोगों ने बोला कि हम एक नया सिस्टम लेके आते हैं जिसको हम नेशनल एजुकेशन कहेंगे और ये पूरी तरीके से अलग होगा ये ब्रिटिश लोग की एजुकेशन सिस्टम से। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, यहाँ पर देखिए क्या दिखाया जा रहा है फिगर 11 में, अ क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन इन 1930s, नोटिस द सराउंडिंग द ट्रीज एंड द ओपन स्पेस। तो पहले कोई ऐसे बंद कमरे नहीं है, खुले में पेड़ के नीचे रविंद्रनाथ टैगोर जी ये बैठे हैं और यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, डू यू नो व्हाई इट वॉज एस्टैब्लिश एंड बाय हूम। शांति निकेतन का नाम अभी हमने एक फिगर और में भी देखा था और अब फिर देख रहे हैं, तो ये शांति निकेतन क्या है और इसकी स्थापना किसने की। सो रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901, याद रखिएगा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में की थी। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। जब टैगोर जी बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें नफरत थी स्कूल जाने से, उनका दम घुटता था स्कूल के अंदर। द स्कूल अपीयर लाइक अ प्रिज्म, आप में से भी बहुत सारे लोगों को स्कूल जेल की तरह लगती होगी, बट जब से कोरोना वाली ये पेंडेमिक आया तब से बच्चे तड़प रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बट अब वो जा नहीं पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाओगे बहुत जल्दी आप लोग भी स्कूल। तो उस टाइम पे ये टैगोर जी को लगता था कि जेल की तरह है ना, फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग। ऐसी जेल जहाँ पर बच्चा जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता, आपको भी बातें करनी होती हैं अपनी फ्रेंड्स से लेकिन आप नहीं कर पाते हो बिकॉज टीचर सामने खड़ी होती है। सो व्हाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब टीचर पढ़ा रही होती है और उनका ध्यान कहीं और चलता है, कोई तो सोचता है कि मैं मैगी खा रहा हूँ, कोई बाहर फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है, कोई कुछ सोच रहा होता है, कोई कुछ सोच रहा होता है, क्लास में बैठे रहते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तो टैगोर का दिमाग भी ऐसा ही था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन। तो अपने बचपन में जो जो चीज़ें इन्होंने फील करी स्कूल को लेके, शिक्षा को लेके टैगोर ने, वो उनके आइडिया बने आगे चल के एजुकेशन को लेके। ऑन ग्रोइंग अप ही वॉन्टेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर चाइल्ड वॉज हैप्पी, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव। तो आगे चल के जब ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद जो जेल वाली फीलिंग आती है और अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाते तो बच्चों का पढ़ने में भी मन नहीं लगता, टैगोर जब बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाने की सोची जहाँ बच्चा खुश रहे, सुन रहे हैं, जहाँ बच्चे खुश रहें और फील करें कि हम स्वतंत्र हैं, फ्री फील करें और क्रिएटिव फील करें, ताकि जो उनके मन में आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं, वो आराम से उनको व्यक्त कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ओड टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश। टैगोर का मानना था कि जो हमारे बचपन में हम पढ़ते हैं ये, इसमें इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए, इतना डिसिप्लिन नहीं सिखाना चाहिए जैसा हमें ब्रिटिश लोगों ने सिखाया। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। टीचर्स को कैसा होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हर चीज़ का उनको जवाब देना चाहिए क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, आप लोगों में भी होती है, हर चीज़ आप जानना चाहते हो तो टीचर को बताना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर। टैगोर का ये मानना था कि इस जमा आजकल जो स्कूल चलते हैं उनकी वजह से जो बच्चों के मन के भाव होते हैं वो नहीं आते हैं और उनकी सारी क्रिएटिविटी नई चीज़ बनाने की खत्म होती जा रही है। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरमेंट। टैगोर का क्या मानना था कि अगर किसी बच्चे की क्रिएटिव लर्निंग को बढ़ाना है तो आपको बंद कमरे में नहीं खुले आसमान के नीचे बैठ के पढ़ाना होगा। So he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो स्कूल खोले टैगोर जी ने वो 100 किलोमीटर कलकत्ता से दूरी पे खोले, थोड़े गांव वाले इलाके में, ठीक है, जहां पर शांति हो, इसलिए
उन्होंने हिंदी में अबोर्ड ऑफ पीस यानी पीस का घर, शांति का घर, शांति निकेतन, निकेतन मतलब घर, इस प्रकार से नाम बना है। ठीक है, जहाँ पर मतलब चिल्ड्रन का जो मन करे वो कर सके, इन्वायरमेंट में बैठे, पेड़ के नीचे, है ना, खुले आसमान में, क्रिएटिविटी उसकी बाहर निकल के आए। इन मेनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज, देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू। तो अभी तक की जो भी हमने पढ़ाई करी है उससे हमें ये दिख रहा है कि टैगोर और गांधी जी के विचार शिक्षा को लेके काफी एक जैसे हैं, दोनों ही ब्रिटिश एजुकेशन के खिलाफ है। बट हाँ, कहीं कहीं पर महात्मा गांधी और टैगोर के भी विचार नहीं मिलते हैं। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। टैगोर वॉन्टेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद वॉट ही saw as the best within Indian tradition। तो यहाँ पर अंतर ये था कि गांधी जी तो पूरी तरीके से विरोध में थे वेस्टर्न एजुकेशन के, लेकिन टैगोर क्या चाहते थे कि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाएं लेकिन अपने इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से। ही एम्फोसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। और इसी सोच की वजह से टैगोर ने शांति निकेतन के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाने का चालू किया, मतलब पढ़ाना चालू किया आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ साथ। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन। सम वॉन्टेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय ब्रिटिश and felt that system could be extended so as to include wider section of people। कुछ लोग चाहते थे changes British education के अंदर, क्या चाहते थे कि इसके sections और थोड़े से बड़े हो जाएं ताकि हर वर्ग का व्यक्ति आके शिक्षा ले सके। और कुछ लोगों ने वो डिमांड करी कि अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशन। कुछ ऐसा भी कल्चर में, मतलब कुछ ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि लोग पूरी तरीके से अपनी कल्चर को समझें और ट्रूली नेशनल हो वो। हु वॉज टू डिफाइन वॉट वॉज ट्रूली नेशनल, बट ट्रूली नेशनल क्या होता है कौन बताएगा। द डिबेट अबाउट वॉट दिस नेशन नेशनल एजुकेशन ओट टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। और हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद भी नेशनल एजुकेशन को लेकर ये विरोध और विवाद होते ही रहे, डिबेट्स होती रही। फिगर 12 में देखिए, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल इन कोयम्बटूर अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये मिशनरी स्कूल है और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। बाय मिड 19th सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर बीइंग सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो देख रहे हो, ड्रेस से ही पता पड़ रहा है कि लड़कियां हैं, उस जमाने में लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल है, समझ रहे हो ना, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आते थे लोग, उनका स्कूल है ये। सो ये आपका एल्सवेयर में दिया है, एजुकेशन एज सिविलाइजिंग मिशन, इसको पढ़िएगा, कुछ आपको ज्ञान की बात ही मिलेगी। आपके हर चैप्टर के पीछे ये एल्सवेयर दिया होता है। अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप चाहते हैं मैं साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीडियोज भी लेके आऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।